हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी फिलहाल ठीक ठाक ही हूँ। मतलब बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी, अच्छी हूँ। शाम की चाय बना रही हूँ और आज की जो चाय है बिल्कुल अकेले मुझे पीना पड़ेगा क्योंकि दिव्यांशु का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था तो वो ख़त्म हो गया, तो वो दादी से मिलने के लिए गया है पापा के साथ। तो 2 दिन लगेंगे, आज ही वो मतलब आज ही के दिन वो निकले थे। तो शाम में बिल्कुल अकेले मतलब बिल्कुल अकेला मुझे लग रहा था और अकेले के लिए चाय पीना पड़ेगा, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहुत दिनों के बाद जो है ऐसा मतलब हो रहा है कि मुझे अकेला चाय जो है अकेले बैठ के चाय पीना पड़ रहा था। तो बस मैंने टीवी लगा दिया था सामने में, और वैसे भी मैं शाम को टीवी नहीं देखती हूँ। ये रहते हैं तो यहाँ आते हैं तो बातचीत होती है, ये सब में टाइम बीत जाता है। शाम को मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं अकेले थी तो मैंने टीवी लगा दिया था, थोड़ा सा मतलब जो मतलब अकेलापन ना लगे इसलिए। और फिर चाय के साथ मैंने चिप्स और मैरी गोल्ड बिस्किट मैंने ले लिया थोड़ा सा खाने के लिए। चिप्स मैंने अंकल चिप्स लिया था ताकि कोको को भी दे सको खाने के लिए, वो प्लेन वाला चिप्स खाता है। मतलब तीखा वाला मैं उसको नहीं देती हूँ, नमकीन चीज़ उसको बहुत पसंद है, थोड़ा सा उसको चूर कर दे देती हूँ ना तो वो खाता है। और अगर कुछ खाते रहो और उसको कुछ ना दो खाने के लिए तो वो फिर कुछ चिल्लाना शुरू कर देगा और वो समझता है कि आप क्या खा रहे हो, वही उसको चाहिए होता है। तो उस टाइप का कुछ मैं रखती भी हूँ ताकि उसको जब भी कुछ ऐसा मसालेदार अगर कुछ खा रही हूँ स्पाइसी तो उसको वो देना होता है। तो चिप्स वगैरह बिस्कुट तो वो हमेशा रखती हूँ, और मैरी गोल्ड बिस्कुट भी वो चूर कर देती हूँ तो वो भी खाती है, खा लेता है। तो बस शाम का चाय हो गया, मन नहीं लग रहा था फिर भी एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मुझे। मतलब तो मैंने सोचा कि चलो अकेले अकेले हूँ तो थोड़ा जो प्रेस वगैरह करने हैं वो कर लेती हूँ, चलो ये भी काम निपट जाएगा इसी बहाने, और मेरा टाइम जो है वो भी जो है निकल जाएगा। तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बर्थडे था तो उस दिन भी नए नए कपड़े पहने गए थे, फिर मंदिर गई थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने के बाद हो जाते हैं इकट्ठे। तो उसके बाद जो बारी आती है कपड़े, यहाँ पर जो बक्सा पर पूरा पड़ा हुआ था कपड़ा, तो आधा कपड़ा तो ये इन्होंने प्रेस कर दिए थे क्योंकि इनको जाना भी था, कुछ कपड़े उसमें से लेके भी जाना था तो इन्होंने कर दिया था। और वैसे भी प्रेस का काम मेरा जो नहीं होता है, ज़्यादातर यही करते हैं, मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो वैसे भी बहुत दिन के बाद मैं जो है आज प्रेस कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि पहले करती थी, क्योंकि अब उतना मुझे पर जो टाइम ही नहीं मिल पाता है, ऐसे ही कपड़ा पड़ा रहता है। और करना भी होता है ना तो एक बार में 2-3 मतलब कर लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि पूरा एक बार में उतना टाइम नहीं मिलता तो हो ही नहीं पाता। तो आज अकेले हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको जो है निपटा ही लेती हूँ। और मेरा ही जो है कपड़े कुछ इसमें ज़्यादा हैं, ये तो कुछ करके गए थे और इनका भी कुछ कपड़ा इसमें है। तो शर्ट जो है ना उसको प्रेस करने में उतना मतलब आसान होता है करने में, और कुर्ती वगैरह जो होती है ये सब को करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना, चून बैठाना पड़ता है सारा कुछ इसलिए। और फिर कुछ न्यू कपड़े होते हैं तो उसको थोड़ा सा सावधानी से करना भी पड़ता है, कुछ उसमें जो कुछ ऐसा वर्क है ये वो का है तो उसको अच्छे से करना होता है। तो सबसे पहले जो मेरे कुर्ती वगैरह थे ना वही मैं कर ले रही थी, फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ अगर पूरा हो गया तो ठीक है और नहीं होगा तो छोड़ दूँगी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि सब कपड़े आज निपटा ही दूँ। तो सबसे पहले सारा कुर्ती वगैरह जो थे वही मैंने जो है करना स्टार्ट किया था। तो बहुत मतलब दिक्कत भी होती है काम करने में, और मुझे ज़्यादा देर खड़ा रहने में प्रॉब्लम होती है इसीलिए मैं प्रेस नहीं करती, क्योंकि कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ जाता है, दिक्कत तो इनको भी होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन एक बार दो बार कर करके ये अपना प्रेस करके निकाल देते हैं। और कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं, स्कूल के ऑफिस के मेरे कम ही होते हैं, हाँ अगर मैं कहीं गई तो वो कपड़े हो जाते हैं, अगर जाना मेरा तो आना जाना थोड़ा कम ही होता है, अगर मैं कहीं मार्केट वगैरह गई तब कपड़े होते हैं, लेकिन इनका और दिव्यांशु का तो हो ही जाता है कपड़े, क्योंकि ऑफिस स्कूल और ऐसे भी निकलता है तो हो जाता है। तो कपड़े रोज़ प्रेस करने के लिए हो जाते हैं, और एक दिन 2 दिन छोड़ दो तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बार करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सारा मैंने जो है यहाँ पर कपड़े जो प्रेस मैंने कर ही लिया था, और लास्ट में मैंने दुपट्टा जो है प्रेस कर लिया, क्योंकि वो कपड़े दुपट्टा मैंने सोचा नहीं था कि करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये जो है फिर पड़ा रह जाएगा, बहुत दिन से ये रखा हुआ था, शादी में गई थी तो उसका दुपट्टा है, और इसको ना बहुत ही आराम से करना होता है प्रेस। तो लास्ट में मतलब बंद करके ऑफ करके
प्रेस को, उसके बाद इसको करना होता है डायरेक्ट करो तो मतलब जलने का डर होता है, बहुत हल्का होता है ना दुपट्टा। और ये सब वो इसके पापा करते भी नहीं हैं, मैं बोलते हैं कि हमसे ये सब नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये सब काम आज निपटा लेती हूँ। और उसके बाद कुछ एडिटिंग वगैरह के काम थे वो मैंने किए, क्योंकि एक ही मोबाइल होते हैं ना, तो बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया। और फिर एडिटिंग का कुछ थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया। और उसके बाद अभी बैठी हूँ खाना खाने के लिए रात का। तो लिट्टी बनाई थी मैं, जब ये जा रहे थे तो इनको मैंने शाम के लिए लिट्टी बना कर दे दिया था, क्योंकि इधर उधर का फिर खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छे से खाना होता है तो वो नहीं लेते हैं बाहर का ट्रेन वगैरह पर। तो मैंने लिट्टी ही बना दिया था, तो वही बस अपने लिए भी बना कर रख दिए थे, वही मैंने खा लिया। और कुकू को भी खिला दिया थोड़ा सा, उसको भी मैंने दिया रात में, उसको भी तो चाहिए होता ही होता है, वो हल्ला करेगा। फिर खाना खाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन ही थे वो सब समेटने के बाद फिर आ गई हूँ सोने के लिए। और अभी लगा रही हूँ रात का क्रीम, मतलब नाइट क्रीम स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं ये जो क्रीम लगाती हूँ वो रात में यूज़ करती हूँ फेस पे। और कुछ जो ओठ पर जो मेरा जो दाग हो गया है उसके लिए डॉक्टर ने जो लिखा है क्रीम वो मैं लगाती हूँ सुबह शाम, तो वो भी मैंने लगा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। और आज का मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा था, जिस दिन मैंने ये ब्लॉग शूट किया था वो उस दिन यहाँ का जो मौसम है रात में बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने। और चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप सभी को गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।